आज सबसे पहले जो गर्ल चाइल्ड डे जो है उसके मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ. एंड बीइंग अ वुमन आई फील सो प्रिविलेज्ड, आई फील सो गोल्डन ऑनर दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू विश ऑल ऑफ यू. सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. मुझे लगता है कि गर्ल चाइल्ड डे जो है इसका मनाना तो एक ही दिन होता है, लेकिन मुझे लगता है उसका एहसास हमें हर दिन होना चाहिए. और आज के स्पेशली आज के दौर में जहां औरतों ने साबित कर दिया है कि चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, डॉक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, पायलट हो, सोल्जर हो, और बाय एग्जाम्पल दे हैव लेड एंड दे हैव शोन दैट दे कैन लीड एंड देयर इज नो फील्ड, नो फील्ड इन विच दे हैव शोन दैट दे कैन नॉट डू द रेवेल्यूशन. तो आई थिंक कि आज का वो जमाना है जहां पे मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की को सोचना भी चाहिए कि वो किसी भी तौर से किसी और से काम करे. इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमने किस मौके पे इस मुकाम पे आने के लिए बहुत जद्दोजहद की है, बहुत स्ट्रगल की है. कुछ ही साल पहले, 40-50 साल पहले, इवन अमेरिका जैसी इतनी बड़ी कंट्री में औरत का वोट करना अलाउड नहीं था. आप सोच के देखिए इस बात को कि इवन वोटिंग वॉज नॉट अलाउड फॉर वुमेन कुछ 40-50 साल, 4-5 डेकेड्स कितने दूर होते हैं. तो आप ये समझ के देखिए कि हम कहां से आए. औरत का जिंदा रहना जब वो पैदा होती है उधर से लेकर एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है. काफी लोग ये सोचते हैं कि बच्ची पैदा होती है शायद यहां पे बोझ ना बन जाए, कल को इसकी शादी होनी है, दूसरे घर जाना. सबसे बड़ी चीज हम अपनी कम्युनिटी में और अपने समाज में देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि औरत को दूसरे घर जाना. तो ये एक सोच है जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं, हम उस पर जो भी इन्वेस्ट करेंगे, जो भी रिसोर्सेज उसको देंगे, वो शायद हमारे काम ना आए, किसी और के काम आए. तो मुझे लगता है ये सोच जो है उसकी वजह से हमारी जो बच्चियां हैं बहुत बहुत जनरेशन सालों डेकेड्स इयर्स एंड इयर्स दे हैव सफर्ड. आज मुझे लगता है उस सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि लड़कियों ने साबित कर दिया है कि आप बोझ नहीं है, आप एक एसेट है. हर लड़की एक एसेट है और हमारे माँ बाप को ये समझना चाहिए, जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो समझना चाहिए कि बच्ची जो है वो बोझ तब बनती है अगर आप उसकी तरबियत ना करें, आप उस पर तवज्जो ना दें और आप उसके दिमाग में ये डाल दें, उसकी मेंटालिटी में ये डाल दें कि आप कुछ नहीं कर सकती या आपका जो आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपकी जो कैपेसिटी है वो किसी तरह से कम. अगर आपने ये चीज एक बच्ची के दिमाग में डाली तो वो कभी सच में शी विल प्रूव दिस थ्योरम. इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. व्हाटएवर यू टेल योर चाइल्ड, मैं यही कहती हूँ कि बच्चा या बच्ची, किसी बच्चे को भी अगर आप बार बार उसकी तनकीद करते हैं तुम कुछ नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तो वो उसको प्रूव कर लेता है और अंदर हमें पता चलता है कि हाँ सच में ये किसी लायक नहीं. बच्चियों ने हमारा नाम हर जगह रोशन किया है, चाहे वो क्रिकेट का फील्ड हो, चाहे वो बास्केटबॉल आप इंडियन को देख सकते हैं, या इंडिया जैसी आज हमने सिंगर देखी जो कि फिजिकली जो है स्पेशली एबल्ड है, देख नहीं पाती हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी चीज ने उनके हुनर को जो है वो पीछे नहीं किया और आज वो हम सबके सामने बहुत बड़े बड़े लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक सिंगिंग या पब्लिक में आके अपना इजहार नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ही ये है कि हर चीज जो है वो आपके दिमाग से शुरू होती है. अगर आपकी सोच ये है कि हम कुछ भी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, तो चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, आप इंशाल्लाह वो कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करेंगे. और मुझे लगता है कि हर बच्ची को आज गर्ल चाइल्ड डे से मैं बच्चों के बारे में कहूंगी कि हर बच्ची को अपने अंदर की ये कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए. हमारे माँ बाप को हमारे बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हमारे टीचर्स को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप बेहतर नहीं, आप इक्वल हैं, खुदा ने आपको इक्वल बनाया है. मैं यही कहती हूँ वो बेटर है, ये वर्स है, ये कोई लड़ाई नहीं है, कोई जंग नहीं है दो जेंडर के बीच में. जब तक मर्द और औरत इस पूरी सोसाइटी में यकजहती से काम नहीं करेंगे तब तक इस सोसाइटी में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. एक वो एक जहनी जो बना है कि नहीं लड़की है कुछ नहीं कर सकती है, उससे बाहर निकलना, उसको बिल्कुल पीछे छोड़ना है और हमें हर फील्ड में आगे चलना है.
जैसे मैडम ने बोला कि हमारी मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है बहुत जरूरी है और उसका बहुत हमें ख्याल रखना है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और एस्पेक्ट ऐड करना चाहूँ, दैट इज मेंटल फिजिकल एंड मॉरल। लड़की को अपने आप में कॉन्फिडेंस रखनी है कि मैं एक अच्छी इंसान की तरह रहूंगी, सेहतमंद इंसान, अपना जहन, अपना जिस्म और अपने जो उसके मॉरल्स हैं उसको एक डिसिप्लिन तरीके में रखूं, फिर कोई चीज को नहीं रोक सकती है। अच्छी तरह वाकिफ हूँ और आपने जो क्वेश्चन हैं आपके जो शक और शुभात हैं आप उनसे पूछिए एक्सपर्ट से। राजा साहब कुछ